कारण है कि सरकार जो निजीकरण करती जा रही है, आप उसके विरोध में हैं? देखिए, हमने देश का आर्थिक नींव को मजबूत करने का काम इस देश में पब्लिक सेक्टर ने किया है। भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉरपोरेशन, आज महारत्ना कंपनी है, हमारी स्ट्रेटेजिक महत्व है। हमें इसलिए बेचा जा रहा है किसी प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के लिए। खास करके मैं BPCL के बारे में आपको बता रहा हूं। BPCL का 15,000 पेट्रोल पंप ऐसे जगह पर है जहां किसी प्राइवेट को दिया जाए तो बिजनेस खोजने की ज़रूरत नहीं, बना बनाए बिजनेस मिल जाएगा। रिफाइनरी उनके पास 4 है, कर्मचारी उनके पास 16,000 समथिंग है, कंटेनर कॉरपोरेशन के पास कर्मचारी की संख्या 1400 है, 83 टर्मिनल है। 65 करोड़ से हमारी 89 में स्टार्ट हुआ था कंपनी, आज हम 8,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को दे चुके हैं। 16,000 करोड़ रुपया पिछले साल भी मेरा फायदा था। हम सरकार को लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए और प्रतिस्पर्धा को कायम करने के लिए हमेशा काम करते हैं। रेलवे में 16 पिलियर को प्राइवेट लाइसेंस, प्राइवेट ट्रेन चलाने की जब लाइसेंस मिली थी, कंटेनर कॉरपोरेशन भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो अकेला ट्रेन चलाती है और सबसे कम्पीट करती है। इसके बाद उस 16 को नहीं, कोई एक और को फायदा पहुंचाने के लिए इसे बेच करके एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व उसको देने का जो प्रयास किया जा रहा है। और देश में लॉजिस्टिक जो मार्केट में जो कंपटीशन है उसको ख़त्म करने के जो प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। तेल के मार्केट में जो ख़त्म करने का प्रयास, उसमें BPCL आई है। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे पब्लिक सेक्टर को हाल, लोगों का बुरा हाल है, वो सब यहाँ आए हुए हैं। हमें लोहिया जी की एक बात याद है कि लोहिया जी ने संसद में बोला था कि जब संसद का ये जंतर मंतर सुना होता है तो संसद हमारा पैदा होता है। आज संसद हमारा हो गया था, हम लोगों ने निर्णय लिया इस रोड को भरेंगे और हमारा गर्दी को ख़त्म करेंगे। शायद हमारा ये रोड भरने का काम अब मिशन में चालू हो गया है, हमारा गर्दी भी ख़त्म होगा, हम भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन भी रहेंगे और बढ़ती हुई भारत में, बढ़ती हुई हिंदुस्तान को मार्गदर्शन देने में पब्लिक सेक्टर अग्रणी रहेगा। कहती है कि सबका विकास, लेकिन निजीकरण वो करती जा रही है। सरकार से एक चीज पूछिए, विकास किसका किया? निजीकरण में वो विकास जरूर कर रहे हैं, कुछ खास पूंजीपतियों का वो विकास जरूर कर रहे हैं। जब देश में आपात हाल होगा तो फोर्स की वैकेंसी होगी, देश में इमरजेंसी होगी तो डॉक्टर की वैकेंसी होगी। हम उसी हालात के स्थिति में नहीं है। हम कहें कि जाम से आम आदमी रोटी खाए, कंटेनर कॉरपोरेशन खास करके दिल्ली में 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। देश दिल्ली में 58 इंडस्ट्रियल जो टर्मिनल है उसको इंडस्ट्रियल मटेरियल हम ही प्रोवाइड कराते हैं, उसकी रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं, उसका एक्सपोर्ट का काम हम करते हैं, उसके इंपोर्ट का काम करते हैं। देश में जो आज NGT टैक्स दिल्ली में लगा हुआ है, अगर मुझे बंद कर दिया गया दिल्ली की पोर्ट को या बेच दिया गया तो हमारे यहाँ जो उपभोक्ता के सामान है दिल्ली में महंगा हो जाएगा और 3 लाख ट्रक रोज रोड पर खड़े हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि मैं रोड को, भीड़ को कंट्रोल करता हूं, मैं देश की इकोनॉमी को सहायता करता हूं, मैं आपके बिजनेस में पार्टनर हूं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सहायता करता हूं, औद्योगिक जगत को मदद करता हूं, इसके बाद भी मुझे बेचने की कसम मुझे समझ नहीं आ रही है। केवल एक ही कारण हो सकता है, किसी को फायदा पहुँचाना, वो हम लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोग रोड भरने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी को रोड पर घेरेंगे। सरकारी अफसर काम नहीं करते हैं, जितने भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन निजीकरण आने से वो काम करना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 2006 में लालू जी जब रेल मंत्री थे, कंटेनर के क्षेत्र में 16 पार्टियों को ओपन किया गया था मार्केट की, जो भी चाहे ट्रेन चला सकता है। उस समय 16 पार्टी ने आवेदन दिया था, कंटेनर कॉरपोरेशन भी 50 लाख रुपया देकर नया लाइसेंस लिया था। आज हम कंपीट कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड बोल रहे हैं कि कंटेनर कॉरपोरेशन के सामने कोई भी प्राइवेट प्लेयर कंपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बेचना है। अरे, हमसे जो टक्कर नहीं ले रहा है इसलिए मुझे बेच दोगे? हमारे सामने टिक नहीं रहा इसलिए मुझे बेच दोगे? ये मैं नहीं होने दूंगा। हम सब कर्मचारी अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और देश के बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसके विरोध में काम करेंगे। भारत पेट्रोलियम एक नवरत्न कंपनी है, पहले नवरत्न थी, वो महारत्न बनी और ये महारत्न बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ के जो लोग हैं, इनके कर्मचारी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके इस कंपनी को एक
महारत्नम कंपनी वाला है, ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ऐसे कंपनी जो सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसी कंपनी जिसके ऊपर किसी सरकार को बहुत गर्व होता है, ऐसी कंपनी को जब बेचा जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत दर्द और तकलीफ होती है। और उन कंपनियों को जो PSU हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, अगर उनको बेचा जा रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ के कर्मचारी भी, उनके परिवार के सदस्य और जो भी लोग राष्ट्रवादी जो लोग हैं, जो देश के हित में बात करना चाहते हैं, जो देश की बात करते हैं, उन सबको लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। निजीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि जो करप्शन है वो कम हो सके, और मुझे लगता है निजीकरण का करप्शन से कोई संबंध ही नहीं है। अगर करप्शन होता तो होते हैं वो काम अच्छे से नहीं करते, लेकिन निजीकरण में आएंगे तो उन पर दबाव होगा काम करने का। हम तो महारत्नम कंपनी है, अगर हमने काम करके दिखाया, हमने प्रॉफिट करके दिया है, हमने करोड़ों रुपए उनको टैक्स के रूप में दिए हैं, डिविडेंड के रूप में दिए, तो हम कहाँ से चोरबाजारी कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा लांछन है हमारे ऊपर। अगर सरकार ये सोच के अगर हमारा निजीकरण करना चाहती है, अगर सरकार ये सोच के हमारा निजीकरण कर रही है कि हम चोरबाजारी करते हैं, तो इतनी बड़ी भारत पेट्रोलियम बन के तैयार नहीं हो गई होती। आज ये नवरत्न महारत्न सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो हमारे करोड़ों की जो संपत्तियां हैं, वो जो संपत्ति है हमारी एक दिन की नहीं, हमारे करोड़ों जो हमारे जो एम्प्लॉई हैं सैकड़ों, उन सबकी मेहनत के बना के हमने तैयार किया है इसको। जी अगर निजीकरण हो जाता है कंपनी का, भारत पेट्रोलियम का, मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि हो जाएगा। जिस हमें लगेगा कि वो सबसे काला दिन होगा जिस दिन भारत पेट्रोलियम जैसी महारत्न कंपनी का निजीकरण होगा, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि इस विरोध इतना बड़ा होगा। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार पैसा चाहती है। सरकार अगर अर्थव्यवस्था को सही ढंग से नहीं चला पा रही है, ये सरकार का फेलियर है। वो हमें बेच के पैसा कमाना चाहती है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल आपको हमेशा सोने का अंडा देने वाली है, उसको एक बार में आप बेच के निजी हाथों में दे देना चाहते हैं, मुझे इसके पीछे तो बहुत बड़ी षड्यंत्र की बुआ नज़र आ रही है। आप निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए उस कंपनी को बेचना चाह रहे हैं जो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डियाँ हैं, उन कंपनियों को आप बेच देना चाहते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और हम इसका विरोध करते हैं और इसका हम निंदा भी करते हैं। एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू प्राइवेटाइज, नॉट ओनली प्लानिंग, ऑलरेडी प्राइवेटाइज मेनी एयरपोर्ट्स आर फर्दर प्राइवेटाइजिंग द एयरपोर्ट, बिकॉज देर इज नो लॉजिक इन प्राइवेटाइजिंग द एयरपोर्ट्स, बिकॉज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलरली पेइंग डिविडेंड, एंड ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स आर रनिंग विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी सर्टिफाइड इट एज ए वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स, एंड रेगुलरली वी हैव बीन constructing the airport, infrastructure has been developed in all the services, airports authorities, best services provided by the airports authority. There is no logic in privatizing the airport. So that it is not only this one, the airports, government of India is planning, not only planning, that is regular employment is converted as a contract employment, and there is number of vacancies still vacant but not being filled. It is giving to private hand only the reservations whatever it is there in the government sector, they want to finish reservation. It is economically or socially backward society is there, for that the deprivation, it is only deprivation, nothing but this is our contention. So that we are strongly opposing the privatization of airports. I am G.R. Rudrappa, General Secretary, Indian Airports Kamgar Union, and we are the joint convener in this joint forum. We have made a joint forum wherein actually all the unions and association part of this joint forum, we are all togetherly, jointly we are fighting against privatization of airports. सरकार कहती है अगर नीतिकरण होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे एम्प्लॉयज, इस पर क्या कहेंगे आप? कंपटीशन तो ऑलरेडी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसका कंपटीशन प्राइवेट से हो नहीं सकता। एयरपोर्ट अथॉरिटी तो ऑलरेडी ग्लोबल कंपटीशन में है, और ग्लोबल कंपटीशन में वो जो है जो ग्रेड्स मिलते हैं उसमें हमारे कई एयरपोर्ट्स जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हमने टॉप किया है, तो हमारा कंपटीशन जो है ये सरकार के परसेप्शन है, सरकार का कुछ सोच नहीं है, जो सरकार के पास जो ब्यूरोक्रेट मशीनरी है वो सरकार को मिसगाइड करती है। जिन लोगों का जो है सोच वो भारतीय ज़मीन से नहीं है, जो ऊपर ऊपर से सोचते हैं उनको सच्चाई मालूम नहीं है, सच्चाई मालूम ना होने के कारण वो ऐसा जो है दिखावा करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंटरनेशनली कम्पीट कर रही है, नॉट इन विद प्राइवेट सेक्टर। कंपटीशन के ऊपर आप तब कंपैरिजन कर सकते हैं
जब आप प्राइवेट प्लेयर नया एयरपोर्ट बनाएं, प्राइवेट प्लेयर नया एयरपोर्ट बनाएंगे और हमारे से कम्पीट करेंगे। अब प्राइवेट प्लेयर हमारे चले चलाए प्रॉफिट मेकिंग वाले ले रहे हैं, लॉस मेकिंग तो ले ही नहीं रहे, कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। कंपटीशन तब हम माने कि वो अपना एयरपोर्ट बनाए, हमारे मुकाबले चलाएं, हम अच्छा चलाएंगे तो हमारे पास पैसेंजर आएंगे, वो अच्छा चलाएंगे तो उनके पास जाएंगे। अभी हम जब दिल्ली और बम्बई एयरपोर्ट चला रहे थे, हम पैसेंजर फीस 225 रुपये चार्ज कर रहे थे। दिल्ली मुंबई अभी की डेट में भी हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं, हम पैसेंजर फीस PSF 225 रुपये चार्ज कर रहे हैं। जो दिल्ली और मुंबई प्राइवेट प्लेयर्स के पास हैं, वो PSF पैसेंजर सर्विसेज फीस 650 रुपये चार्ज कर रहे हैं हमसे 3 times। फिर कंपटीशन की बात करते हैं, हमसे वो 3 गुना पैसा चार्ज कर रहे हैं। उनका अपना एयरपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार करके दिया, बने बनाए घर में आके वो प्रॉफिट कमाने लग गए हैं। तो कंपटीशन तब हो, वो बैंकों की तरह अपना बैंक अपना एयरपोर्ट बनाएं, लैंड खरीदें, बिल्डिंग बनाएं, उसके बाद आके वो कंपटीशन करें। कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, वो तो लूट चल रही है। आओ सरकारी माल पे बैठो, हम लिस्ट देते हैं 10 एयरपोर्ट की, वो जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है उनको ले लो। हम तो कह रहे हैं लो, हमारे पास 50 एयरपोर्ट हैं जिनका खर्चा इन 25 से चल रहा है। टोटल 126 एयरपोर्ट हैं जिसमें से 32-33 एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सारे एयरपोर्ट अनप्रॉफिटेबल हैं। वो ले लो एयरपोर्ट आके, तुम चला के दिखाओ, कम से कम उनको प्रॉफिट में तो लाओ, सरकार को पैसा दो, कर्मचारियों को तनख्वाह दो और सरकार को पैसा दो, प्रॉफिटेबल क्यों ले रहे हो? हम तो नहीं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।